नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे ईवीएम और वीवीपैट के बारे में। दरअसल कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए और उन्होंने कहा कि जो हम वोटिंग करते हैं ईवीएम मशीन के द्वारा, तो ईवीएम मशीन से हमने वोट किया किसी एक पार्टी को और हमें ऐसा लगता है कि वो वोट उस पार्टी की जगह किसी दूसरी पार्टी के पास जा रहा है। तो आप जो हमें वीवीपैट दिखाते हैं, इस वीवीपैट की पर्ची भी निकालिए कागज में, और बाद में जब टोटल वोटों की काउंटिंग ईवीएम मशीन से की जाए तो उसके साथ साथ वीवीपैट की भी काउंटिंग की जाए, जिससे थोड़ा सा ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी और साफ सफाई से चुनाव के नतीजे निकाले जा सके। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको मानने से इस अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, जहां पे 100 करोड़ से ज्यादा लोग वोटिंग कर रहे हो और वहां पर हम पहले ईवीएम से वोटिंग कराएं, ईवीएम से रिजल्ट निकालें और इसके बाद हम पुनः उसको किस पर लेके जाएं, वीवीपैट की भी काउंटिंग कराएं। ईवीएम मशीन से ही अगर हम केवल वोटिंग को काउंटिंग करते हैं तो एक दिन से ज्यादा का समय लग जाता है, और अगर वीवीपैट हमने काउंट करने शुरू कर दिए, अर्थात ना चाहते हुए मशीन के साथ बैलेट पेपर भी एक प्रकार से, तो बैलेट पेपर का भी प्रयोग तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया। तो आइए आज हम सीखेंगे कि ईवीएम वीवीपैट क्या होता है, कैसे काम करता है और आखिर इस पर इस तरह के वक्तव्य कैसे आए, भारत में ईवीएम की शुरुआत कैसे हुई, वीवीपैट की शुरुआत कैसे हुई और इसके क्या नतीजे रहे, इसके क्या परिणाम हमारे समक्ष आए, आगे भविष्य में हमारे लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए सही व्यवस्था। सबसे पहले तो आप ये जानिएगा कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अर्थात कोई भी व्यक्ति 3, 4, 6, 10 लोगों के बीच अपना मत किसी एक व्यक्ति को देने के लिए कागज की जगह एक मशीन का प्रयोग करे, रोबोटिक्स का प्रयोग करे, उसमें कॉलम बने होंगे और कॉलम में से किसी एक कॉलम में अपना मत, अपने पक्ष को प्रस्तुत कर सकता है, दर्शा सकता है। ईवीएम की बात करें तो भारत में जो ईवीएम मशीन का प्रयोग होता है, एक ईवीएम मशीन में 16 लोगों के लिए मतदान किया जा सकता है, लेकिन एक साथ चुनाव के लिए 4 ईवीएम मशीनों को जोड़ा जा सकता है, यानी कि 16 × 4, अर्थात एक बार में अगर 64 लोगों के बीच में चुनाव करवाना है तो ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जा सकता है। ईवीएम मशीन के बारे में, एक मिनट में मैक्सिमम 4 लोग ही वोट कर सकते हैं। इससे फायदा यह होता है कि बूथ कैप्चरिंग जो होती है उसको रोका जा सकता है, ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति वोटिंग करने गया और वो एक साथ 2 वोट कर दे या तुरंत कुछ सेकंड रुककर ज्यादा वोट कर दे। इसलिए वहां पे नियम रखा गया कि आप एक मिनट में ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों से मतदान करवा सकते हैं। इससे क्या हुआ, सफाई हुई और वहां पे धांधली होने से भी क्या हो गया, बच गया। अब ईवीएम मशीन जोड़कर एक साथ उनके रिजल्ट निकाले जाते हैं, क्योंकि हमारे एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक चुनाव क्षेत्र में कई बूथ लगते हैं और हर बूथ में अलग अलग ईवीएम मशीन होती है, और जब हम वोटों की काउंटिंग करते हैं तो सारे के सारे ईवीएम मशीनों को एक साथ जोड़ा जाता है और उनके रिजल्ट निकाले जाते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि ये पूरा सारी ईवीएम को एक साथ जोड़ने की अभी कोई पद्धति नहीं है, इसे मैनुअल ही किया जाएगा। हर ईवीएम के टोटल वोटों को निकालकर दूसरे वाले वोटों के निकालकर जोड़ते चले जाते हैं, वो मैनुअल ही किया जाता है। इस तरीके से ईवीएम चला। अगली बात ये आई कि भारत में ईवीएम की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल केरल में साल 1982 में एक चुनाव में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया। आगे आने वाले समय में अगर हम ईवीएम मशीन का प्रयोग चुनाव में करेंगे तो हमारे देश के जो चुनाव के तरीके हैं, अर्थात जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम साल 1950 और साल 1951, इन दोनों के माध्यम से भारत में चुनाव करवाए जाते हैं। तो अगर बैलेट पेपर की जगह ईवीएम का प्रयोग करना है तो हमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम साल 1951 में संशोधन करना पड़ेगा। हुआ भी साल 1989 में संशोधन करके चुनाव में ईवीएम मशीन के प्रयोग को वैधता प्रदान कर दी गई और उसके पश्चात से कुछ क्षेत्रों में ईवीएम मशीन का प्रयोग होना शुरू हो गया। लोकसभा के चुनाव की अगर बात करें तो साल 2004 में पहली बार लोकसभा में कुछ क्षेत्रों में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया, क्योंकि ईवीएम मशीन आसान है, थोड़ा सा जानकारी अगर हो तो ये बहुत ही सरल और सुलभ है, काउंटिंग में दिक्कत नहीं है,
सुरक्षित रहेगा अगर हैक ना कर ली जाए तो। वैसे निर्वाचन आयोग ये पूरी तरह से मान्यता प्रदान करता है कि ईवीएम मशीन को हैक करना पॉसिबल नहीं। कुछ दिन के पश्चात लोगों का ये कहना हुआ कि चूंकि अब तकनीकी इतनी ज़्यादा विकसित हो चुकी है कि वोटों को लोग हम जिसमें डालते हैं उसकी जगह वो दूसरे में वोट गई। भारत सरकार को भी इस बारे में थोड़ी सी चिंता हुई तो भारत सरकार ने ईवीएम मशीन के साथ एक और मशीन साइड में जोड़ दी। मशीन के आप उसे टीवी समझिए, डिस्प्ले समझिए, कि आपने जिस भी व्यक्ति को अपना वोट दिया है उस व्यक्ति के वोट का सिंबल आपके उस डिस्प्ले में आपको क्या हो जाएगा, दिखने लग जाएगा, वहां पे आप उसे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि मैंने माचिस को अपना वोट दिया तो उस वीवीपैट में जो कि टीवी है एलसीडी टाइप की उसमें वो माचिस का सिंबल मुझे दिखाई देगा। तो ये सिंबल कितनी देर दिखाई देगा, तो दरअसल वीवीपैट में एक सिंबल वोटिंग के बाद 7 सेकंड तक प्रदर्शित होता है। और साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट और नोटा का होना अनिवार्य है, अर्थात ईवीएम मशीन में नोटा भी जोड़ा गया। नोटा का मतलब नन ऑफ द एबव, मेरी मर्जी है, ऊपर के जितने भी लोग चुनाव में आए हैं वो मुझे कोई पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपनी वोट नोटा को दे रहा हूं। साथ ही साथ वीवीपैट के बारे में बात करते हैं। वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। और इसकी वजह से हमारे देश में जो मतदान के समय टीवी में डिस्प्ले में हमें वोटिंग दिखाई दी, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि वीवीपैट लगाना अनिवार्य है, लेकिन यह तब पॉसिबल नहीं हो पाया। नोटा तो तब से ही पॉसिबल हो गया, वीवीपैट पहली बार साल 2017 गोवा के चुनाव में इसका प्रयोग किया गया वीवीपैट का, और तब से लगातार वीवीपैट दिखाना शुरू कर रखा गया है। लेकिन अभी वीवीपैट से पर्ची का निकलकर बाहर आना और उसके माध्यम से चुनाव में वोटिंग को दोबारा काउंट करना बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, बट हाँ बहुत समय लेने वाला काम है, और आज वर्तमान में इतना समय है नहीं। अगर हम मशीन को हैक कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है जो स्लिप निकल कर आई है वो स्लिप भी हम फर्जी प्रिंट करा के वहां पे ऐड करवा सकते हैं। जैसे एक एक मतपत्र को काउंट करने में पूरे दिन का समय लगेगा, और मैं हार रहा हूं, मैं कैंडिडेट हूं, तो मैंने अपनी प्रिंटिंग मशीन से कुछ लाख दो लाख पर्ची छाप के उसमें और ऐड करा दी, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों की धांधली से बचने के लिए आवश्यक है कि हम ईवीएम मशीन का ही प्रयोग करें, वीवीपैट का प्रयोग करें, लेकिन केवल डिस्प्ले में, जिससे कागज यानी कि पर्यावरण भी संरक्षण रहे, लेकिन ईमानदारी से, उसमें कोई हैकिंग की सुविधा ना हो कि इसे हैक किया जा सके, नेटवर्किंग से दूर रखा जाए, उसमें कोई किसी प्रकार का नेटवर्क सुविधा ना दी जाए, उसे मशीन में मैनुअल तरीके से प्रयोग किया जाए, उसमें कोई वाईफाई का कनेक्शन ना रहे ताकि वो सही ढंग से काम करे। और आगे आने वाले समय में, क्योंकि भारत में जो जन्म दर है वो बढ़ रहा है, भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, लगभग 60% से ज़्यादा लोग आज हमारे देश में कार्य बल का हिस्सा हैं, अर्थात उनकी उम्र 15 साल से 59 साल के बीच में। तो 15 से आगे की जो उम्र के लोग हैं, चूंकि वोटिंग का एज तो 18 साल ही है, तो 18 साल से अधिक के जो लोग हैं उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आगे और संख्या बढ़ेगी, और जब संख्या आगे और बढ़ेगी तो चुनाव कराने के लिए, जो कि लोकतंत्र का मूलभूत तत्व है, आवश्यक है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से और शीघ्रता से करवाया जाए। इस साल के चुनाव में एक और नई चीज प्रारंभ की गई कि हर व्यक्ति वोट करना, हर व्यक्ति अधिकार से अपने वोट करे, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, यानी कि निर्वाचन आयोग ने एक नई प्रक्रिया शुरू की कि अगर किसी व्यक्ति की आयु 85 वर्ष और वो बूथ तक जाकर वोट नहीं कर पा रहा है तो हम उसके घर में उसके बैलेट पेपर का, उसकी वोटिंग का प्रयोग या वोटिंग का अधिकार उसको प्रोवाइड करें, घर से ही वह अपनी वोट कर सके। और अगर ऐसा नहीं है तो हम उसके लिए व्यवस्था करें कि वो किसी गाड़ी में बैठकर, जो कि निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाई गई है, वो बूथ तक आके वोटिंग करके जा सके। साथ ही साथ एक और व्यवस्था की गई, अगर कोई व्यक्ति 40% से ज़्यादा डिसेबल है, हैंडीकैप है, विकलांग है, और वो रिक्वेस्ट करे तो उसके लिए भी घर में वोटिंग की व्यवस्था भारत सरकार करेगी। कई और प्राइवेट संस्थाओं ने अपने वाहन फ्री किए कि अगर आप वोटिंग करने जा रहे हैं तो हम आपको निःशुल्क एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपको भेजने में आपकी मदद करेंगे। ये सब हमारे लोकतंत्र के लिए आवश्यक था और अच्छा है। आगे आने वाले समय में, आज को अगर हम देखें तो जो वोटिंग हुई वो लगभग
60% के आसपास रही, जहां पे लोकतंत्र में 40% लोगों ने लगभग मतदान में हिस्सा नहीं लिया। अगर वोटिंग ऑनलाइन होने लगे, मोबाइल की एप्लीकेशन के द्वारा वोटिंग होने लगे, तो यह प्रतिशत और भी बढ़ सकता है, लगभग 90% तक जा सकता है। लोकतंत्र वास्तविक शुद्ध साफ और निष्पक्ष लोकतंत्र तब होगा जब मतदान में 100% लोगों की सहभागिता हो और उस दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए और सबके लिए वोटिंग अनिवार्य कर दी जाए। भारत में आज़ादी के साथ ही महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिल गया था, दुनिया के किसी देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने जब 1952 में पहली बार आम चुनाव करवाए तो आम चुनाव में ही हमने महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया, लेकिन तब 21 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष या महिला वोटिंग कर सकते थे। आगे कुछ दिन के बाद जब राजीव गांधी जी की सरकार बनी तो संविधान में संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन, और इस संशोधन के द्वारा वोटिंग का एज 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किया गया और इस 18 वर्ष को नियम को साल 1989 में लागू किया गया। जैसे आपने सुना होगा 106वां संविधान संशोधन साल 2023 में किया गया, महिलाओं को एक तिहाई सीट का आरक्षण मिला लोकसभा राज्यसभा की सीट में। तो क्या इस बार जो 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए उसमें 1/3 महिलाएं हैं? तो नहीं। दरअसल अभी गजट में यह प्रचारित नहीं किया गया है कि अब महिलाओं को लोकसभा में भी 1/3 का आरक्षण इस साल से लागू होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जब साल 2029 में लोकसभा के यानी कि आम चुनाव होंगे तो उसमें महिलाओं की 1/3 सीट जरूर रिजर्व रहेगी, ये भारत सरकार से हम उम्मीद करते हैं। और आज के सेशन में जो आपको समझाना था वीवीपैट के बारे में, ईवीएम मशीन के बारे में, उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ गई होंगी और इलेक्शन के बारे में भी कुछ चीजें आपको पता जरूर चली होंगी। फिर मिलूंगा एक शानदार सेशन में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।